की कोचिंग राइज टू में आपका वेलकम है। आज हम आपको देखिए मित्तल की जो लेंस मेकर के जो सवाल लगा रहे 19वां सवाल आपको बताने जितने भी स्टूडेंट का जो ये क्वेश्चन फंसा हुआ है वो आपको देखिए इस पे हल कर रहे हैं, वो अपना सलूशन देख लें। ठीक है, चलिए सबसे देखिए 19वां क्वेश्चन। देखिए 19वां क्वेश्चन जो है, अगर आपको ना दिखाई, देखिए 19 क्वेश्चन ही लगा रहे हैं। एक कांच के दीर्घ उत्तल लेंस में प्रत्येक की वक्रता जब 32 सेमी है, लेंस की किसी पदार्थ को द्रव में डुबोया जाता है तो उसमें फोकस दूरी 104 सेमी हो जाती है। कितना सेमी हो जाती है? 4 सेमी हो जाती है। तो लेंस की वाई में फोकस दूरी और द्रव का प्रतिनांक, देखिए कांच के प्रतिनांक देखिए दिया सब जो है वह देखिए आप लोग पहले लिख लीजिए। देखिए हिलने ना पाए क्वेश्चन, जिसको जिसके पास देखिए बुक है वो लिख ले, जिसके पास बुक नहीं है वो देखिए लिख ले। ठीक है, देखिए इसलिए हम आपको सवाल उससे बुक से भी दिखा रहे हैं ताकि आपको देखिए आ जाए, थोड़ा जल्दी करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। आज 19, 20, 21 बता देते हैं। ओके माय डियर, देखिए आप लोगों ने लिख लिया कि नहीं, चलिए फटाफट देखिए। देखिए 2 मिनट में इसको भी हल करके हम आपको दिखाएंगे, सिर्फ 2 मिनट लगेगा, ओनली फॉर 2 मिनट्स। हो गया, अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है तो हम आपको हल करके दिखा दे। देखिए 19वां क्वेश्चन है, हल यंग का मान देखिए कितना दिया है इसमें। इसमें जानते हैं यंग का मान 1.5 हमेशा ही दिया रहता है, ए एन जी ही तुम्हारा आपका ए एन है। और ए एन एल का मान देखिए आपको कितना दिया है, देखिए दिया है बताइए, कांच के दीर्घ उत्तल लेंस की प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या देखिए इसमें आर वन दिया है आपकी, कितना दिया है दीर्घ उत्तल लेंस है तो 32 सेमी है। कितना है? 32 सेमी है। देखिए ध्यान से आपको दिखाई दे रहा है, नहीं 32 सेमी है। और देखिए क्या क्या मान दिया है, अभी हम आपको सब पूरा आपको बताते हुए निकल रहे हैं। ओके माय डियर, कि नहीं बताइए। ओके, कांच का वाई में है तो लेंस की वाई फोकस दूरी एवं द्रव का अपवर्तनांक, देखिए द्रव का भी अपवर्तनांक पूछ रहा है कांच की वाई में। देखिए लेंस की वाई फोकस दूरी, यानी ये फिर दो चीजें आपकी पूछ रहा है। देखिए इसमें तो आर वन का मान देखिए 32 सेमी है और एफ ए का मान देखिए, अब आर टू का मान देखिए कितना दिया, आर टू का मान जो आपका दिया है वो कितना है, प्रत्येक पृष्ठ -32 सेमी हो गया। देखिए दूर दिया है, दोनों एक अलग रहता है। और फोकस दूरी आपको देखिए द्रव में दिया है, वायु में एफ ए बराबर 104 सेमी दिया है। ओके माय डियर, देखिए दोनों हल करके फटाफट दिखा देखेंगे। देखिए जितने लोग लगा सकते हैं तो लगाइए और जितने लोग नहीं लगा सकते हैं तो बैठे रहें। बताइए, देख लीजिए जिसको कोई प्रॉब्लम हो। देखिए डियर इसमें यंग का मान देखिए, देखिए यहाँ थोड़ा गलत होगा, देखिए यंग का मान 104 से भी एफ ए निकालना है तो लेंथ देखिए वाई में, भाई लेंस मेकर का सूत्र लिख लीजिए, लेंस मेकर के दो सूत्र है जो है, लेंस मेकर के सूत्र से यहाँ लिख दीजिए, लेंस मेकर के सूत्र से तो वाई में फोकस दूरी, देखिए वाई में फोकस दूरी लेंगे, फोकस दूरी तो 1/FA=N-1 बिग ब्रैकेट में 1-R1-1/R2। देखिए फटाफट इतना इसी सूत्र पर रखिए। अब इसमें रखेंगे एफ ए का मान तो नहीं दिया है, इसको उतार लेंगे, एन ए का मान 1.5-1, 1/R1 कितना है 1/32, देखिए माइनस फिर 1/ देखिए यहाँ 32 रहेगा और इसमें ब्रैकेट में रहेगा। ओके, तो 1/FA = 0.5, देखिए नीचे दिखाई दे रहा आपको, देखिए ना दिखाई दे तो वहाँ आप लोग हमको बताइएगा। चलिए देखिए, ओके जी दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है 0.5 ये हो जाएगा 1/32 + 1/32, ये क्या हो जाएगा 1/FA =
0.5 गुणे, देखिए एक एक दुई हो जाएगा, तो इतना आप खाली करेंगे 32 दुई कर दुई 16 दुनी 32, 1/f बराबर कितना हो गया 0.5/16 हो गया। देखिए आपका आया 0.5 16 हो गया। चलिए अगर इसको हल करना चाहे हल कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, ये समीकरण नंबर एक बना दीजिए। अब देखिए समीकरण नंबर दो, देखिए आपको दिखाई दे रहा है ठीक, समीकरण नंबर दो देखिए, द्रव में, अब यहाँ देखिए द्रव में ठीक है फोकस दूरी, या द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी, यहाँ क्या लिखिए द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी, ओके द्रव में डुबोने पर या द्रव में फोकस दूरी 1/FL इक्वल क्या रहेगा बताइए, LNG माइनस 1, फिर वही रहेगा 1/R1 - 3/R2, ओके 1/FL, FL की देखो वैल्यू की 104, यहाँ 104 ले लीजिए, 104 बराबर LNG बराबर AN देखिए, एक चीज तो यहाँ हमको लगता है इसका हल इसी जगह हो जाएगा क्योंकि इसमें एक अलग हल पूछ रहा है। देखिए इसमें एफ ए का मान तो निकल जा रहा है इसी जगह से हमारा, चलिए समीकरण यहाँ एक मत बनाइए आप, पहले देखिए इसको हल करिए, चलिए यहाँ पढ़ के दिखा दे रहे हैं, देखिए पहले इसको हल कर लीजिए 1/FA बराबर, देखिए दिखाई दे रहा है ठीक, 1/FA बराबर 5/160 हो जाएगा, देखिए दशमलव इतना ऊपर से जीरो हो गया, 5 × 15 = 16 × 5 = 10 = 32 हो गया, कितना हो गया 32, तो देखिए क्या हो गया ये 32 हो गया। अब देखिए ऊपर लिखते अगर आपको नहीं दिखाई देता है, देखिए अभी इसको लगा रहे थोड़ा इसको इसको पेन पर ये इसको देख लीजिए, एक अंतर आपका इसी जगह आ जाएगा, हाँ उससे बड़ा करने से क्या फ़ायदा, या फिर बराबर 0.5/16, तो 1/FA बराबर आपका क्या हो जाएगा 5/160, 32 × 5 = 160, तो 1/FA बराबर 1/32, देखिए आपका एक अंतर एफ बराबर 32 सेमी, देखिए एक अंतर आपका आ गया, ओके माय डियर, देखिए अंतर को आप देखेंगे किताब में तो उसके नीचे 32 सेमी आपका आ गया। सवाल बड़ा करने से क्या फ़ायदा, देखिए आपका देखिए आगे नहीं तो पूरा, ओके डियर, चलिए देखिए द्रव में फोकस दूरी निकाल देते हैं क्योंकि देखिए बड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, चलिए आगे देखिए एकदम आगे बढ़ाते हैं, देखिए एक निकल गया अब दूसरा निकालते हैं, 1/4 ANG / ANL -1, ये कितना हो जाएगा देखिए 1/R1 1/32 +1/32 रख दीजिए, तो यहाँ पर 1/104 बराबर ANG का मान 1.5, इसका मान तो निकालना है, देखिए ANL का मान निकालना है, ध्यान से देखिए ANL का मान निकालना है, देखिए -1 गुणे 2/32 हो गया, ओके तो देखिए 1/104 1/104 गुणे, देखिए इसको इधर ले जाइए तो 32/2 बराबर, इसको हल करिए, इसको हल करिए 1.5 - a, देखिए ठीक है अभी रुके रहिए पहले इतना ऐसे उतार लीजिए 1.5/ANL - 1, इसको ऐसे रखते रहिए तो जल्दी रहेगा, ओके देखिए हल करिए, कोई कोई पहाड़े कट रहा है 32 16 किसी कट रहा है बताइए बताइए, अब लोग फटाफट 4 × 32 और 4 × 8 = 10, 4 × 6 = 24, 13 हो जाएगा, 13 × 26 = 8, तो 1/13
गुड़े 1/13 गुड़े देखिए 4/2 बराबर बराबर 1.5 -1/ANL 2 × 2 = 4 ये देखिए 2/13 हो गया 2/13 हो गया। देखिए कैसे 1 × 2 = 2 1 × 2 = 2 और नीचे 13 उतार लिए देख रहे ना आराम आराम। देखिए इसको उतार लेते हैं उतार लिए बराबर आपका क्या हो गया 1.5 -1 ANL उतार लेते हैं। अब -1 इधर ले लीजिए देखिए ये इधर आ जाएगा तो 2/13 +1 बराबर 1.5 ANL हो गया। तो 13 × 13 देखिए 13 × 13 13 × 2 = 15 15/13 बराबर 1.5 ANL हो गया। देखिए आपको दिखाई दे रहा ठीक है। चलिए बस एक दो स्टेप और सवाल है चलिए भी आगे देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए 15 × ANL बराबर 1.5 × 13 तो ANL बराबर 1.5 × 13/15 तो ANL बराबर 15 × 13/175 तो देखिए ऊपर नीचे हो जाएगा देखिए 15 × 150 तो ANL बराबर 13/10 ANL बराबर 10 का भाग देंगे 1.3 देखिए आपका ये आंसर आ गया। मेरा लीजिए सब लोग आंसर देखिए बुक में आपने जो सवाल बताए थे देखिए आंसर आपका मिल रहा है कि नहीं कितने लोगों का आ रहा है कितने लोगों का नहीं। देखिए हमने एक क्वेश्चन बता दिए देखिए ये क्वेश्चन हमने जो जो बताया आपको देखिए सलूशन हो गया। देखिए इसका आंसर आप इसी जगह हल करेंगे देखिए ना इसको बता दें देखिए इसका हल इसी जगह यह बी का मान देखिए आपका हल करेंगे 32 से भी यही जगह आ गया देखिए ना इसको मैं बहुत लंबा कर रहे थे वो अलग हो गया ठीक इसको पहले ही बता दिए थे ओके चलिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको ये देखिए अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है आप जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे अब बता देखिए दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली आई विल हार्डली डू सी फॉर 90%। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कर दीजिएगा नहीं कोई बात ही नहीं है। अब देखिए अगले वीडियो में हम 20वां क्वेश्चन बताएं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए अगले वीडियो में आपको 20वां क्वेश्चन बताते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख लीजिए कोई बात ही नहीं।